नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई अमेजिंग एंड वंडरफुल वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा कैसे आप एक प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल का लोगो बना सकते हैं, जिससे कि आपके चैनल में जो व्यूज़ आने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर आपके चैनल का लोगो प्रोफेशनल दिखता है तो लोग उसको देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। एक अट्रैक्टिव लोगो आपके चैनल पर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड उससे क्या होता है, अगर आपकी कोई एक वीडियो किसी व्यूअर ने देखी होती है तो अगर दोबारा कोई वीडियो उसके पास जाती है तो वो लोगो देख के समझ जाता है कि पहले मैंने ये इसकी कोई वीडियो देखी थी, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेता है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन का बटन प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको यहाँ पर हमेशा मिलती रहेंगी। साथ में आप वीडियो को लाइक से कमेंट भी कर सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे पिक्स आर्ट की जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। तो अगर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी कैसे देखने को लगती है। एंड पिक्स आर्ट यहाँ पर आप सर्च कर लेंगे, एंड इस तरह का आपको लोगो देखने में मिलेगा। आप उसको इंस्टॉल कर लेना। मैंने पहले से इसको इंस्टॉल कर रखा, तो मैं इसको अभी ओपन कर लूँगा। जैसे ही मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन ऑन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, एंड यहाँ पर जो आपको प्लस का निशान है इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं, जहाँ से आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ से आप प्लस का निशान है यहाँ पे बैकग्राउंड, उसमें जाके आप कोई भी एक बैकग्राउंड यहाँ से उठा लें जो आपको अच्छा लगता हो। काफ़ी सारे बैकग्राउंड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो मैं यहाँ से ये बैकग्राउंड इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से मैं ये वाला बैकग्राउंड, यहाँ से ये वाला बैकग्राउंड उठा लेता हूँ। एंड यहाँ पर ये जो टूल का ऑप्शन है, या फिर ये जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं टूल्स में, आपको इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, क्रॉप का, रिमूव का, सारे ये काफ़ी है इसमें। तो मैं आपको बता दूंगा किस तरह से ये यूज़ करने हैं। एंड आगे भी और काफ़ी यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, टेक्स्ट का मिल जाता है, या फ़ोटो भी लगा सकते हैं। सारे आपको बताऊँगा किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर टेक्स्ट मैं यूज़ करूँगा, तो यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरह से। एंड यहाँ से आप कलर भी अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें। तो मैं यहाँ पे रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे स्टॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इस तरह से इसको स्टॉक कर सकते हैं। एंड इसके आप बॉर्डर का भी कलर रख सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैं ब्लू रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको ओपेसिटी का ऑप्शन है, इसको आप फुल रहने दे, ब्लेंड का भी रहने दे। शैडो में आप इस तरह से कर सकते हैं, आपका देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर ब्लेंड का करेंगे, बेंड का, तो इस तरह से बेंड हो जाएंगे आपके ये, तो इसको ऐसे ही रहने दें आप। एंड उसके बाद आप फिर से टेक्स्ट उठाएं यहाँ से, एंड अपने चैनल का फुल नेम यहाँ पर लिख लें, इसको साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लें। एंड इस तरह से इसको अपने जो लोगो है उसे छोटा ही रखें नीचे इस तरह से। एंड इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो, जो आप यहाँ पे कलर रखना चाहें वो रख सकते हो इस तरह से, जो भी आपको अच्छा लगे। उसके बाद स्टॉप कर सकते हो उसको। स्टॉप के बाद मैंने आपको पहले ही बताया था, सेम उसी तरह शैडो कर सकते हो, इस तरह से शैडो कर सकते हो। एंड बेंड आप ना करें इसको, तो तभी बढ़िया रहेगा। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा होगा लास्ट में शेप मास्क का, तो उसको सिलेक्ट कर लें। एंड जो पहला आपको मिल रहा है गुलाई में, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड इस तरह से आपका लोगो बनके तैयार हो जाता है। यहाँ से आप टिक पे यस ओके टिक कर दें, एंड इसको आप डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं अपनी गैलरी में। कॉपी कर लीजिए आपने जहाँ पे इसको कॉपी करना है, तो इस तरह से आप लोगो आपका बन के तैयार हो जाता है। इस तरह से आप और भी लोगो यहाँ पे बना सकते हैं, जितने भी आप बनाना चाहें। एंड अब आपको
अपलोड कैसे करना है इसको वो भी आपको बता देता हूँ। पहले आप अपने यूट्यूब एप्लीकेशन पे जाएं एंड यहाँ पे अपना चैनल को सिलेक्ट कर लें एंड एडिट पे जाएं। उसके बाद आपका जो यहाँ पे ऑप्शन है लोगो का उस पे जाएं एंड जो भी आपने अभी लोगो बनाया है उस पे क्लिक करें एंड यहाँ पे आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट कर लिया एंड सेव कर देंगे तो आपका यहाँ पे जो लोगो है वो अपलोड हो जाएगा। तो ये छोटा सा प्रोसेस था, सिंपल स्टेप मैं आपको बताया तो आप इजी वे से इसको कर लेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा एंड आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर करिएगा एंड आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।